तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, दैट इज द सेकंड लेक्चर फॉर इक्विलिब्रियम। और आज हम लोग सीखने वाले हैं लॉ ऑफ मास एक्शन। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने यहां तक देख लिया था। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने इतने कुछ ग्राफ्स वगैरह देखे थे, है ना, क्वेश्चन सॉल्व किया था एक ग्राफ का और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखे थे। लास्ट में हमने कैटलिस्ट क्या होता है ये समझ के क्लास को एंड किया था। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं लॉ ऑफ मास एक्शन। एक्चुअली ये लॉ ऑफ मास एक्शन होता क्या है, काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये, राइट, इस चैप्टर में, तो ये आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने ऊपर एक रिएक्शन लिखी हुई है, ए प्लस बी इक्विलिब्रियम वाली रिएक्शन है गिव्स सी प्लस डी। ठीक है, तो जैसे कि हमें पता है कि दो रिएक्शन होती है, एक होती है फॉरवर्ड रिएक्शन, दूसरी होती है बैकवर्ड रिएक्शन व्हेन देयर इज इक्विलिब्रियम, है ना। तो अगर मैं फॉरवर्ड रिएक्शन की बात करूँ तो ये होगी मेरी फॉरवर्ड रिएक्शन a plus b gives c plus d, right? और backward reaction क्या हुई? जब c plus d से a plus b मिल रहा है हमें, वो हुई backward reaction, है ना? अब अगर मैं इसी के रेट की बात करूं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं फॉरवर्ड रिएक्शन के रेट की बात कर रहा हूँ, है ना, फॉरवर्ड रिएक्शन के अगर रेट की हम बात करें तो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, या मैं क्या बोल रहा हूँ, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एंड बी, है ना। ए और बी के कॉन्सेंट्रेशन को ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, क्योंकि जितना ए और बी का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा उतना ही फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट ज्यादा, है ना। अब अगर बैकवर्ड रिएक्शन देखा जाए तो यहाँ पर रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी सी एंड डी, राइट। जितना ज्यादा अगर सी और डी रहेगा, इसका कॉन्सेंट्रेशन रहेगा, उतना ही रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी, राइट। अब जो स्क्वायर ब्रैकेट ने यहाँ पे दिया है उसका मतलब होता है कॉन्सेंट्रेशन, है ना, कॉन्सेंट्रेशन या फिर एक्टिव मास इज़ कहते हैं, राइट। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए एंड बी, व्हाइल रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी एंड डी इन दिस गिवन रिएक्शन। अब अगर यहाँ पे मुझे प्रोपोर्शनैलिटी की साइन हटाना है तो हमें पता है कि कॉन्स्टेंट का क्या आ जाता है, राइट। तो जैसे फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए हमने लिया है केएफ और बैकवर्ड रिएक्शन के लिए मैंने लिया है केवी, ठीक है, केएफ एंड केवी। अब हमें यह पता है कि जब इक्विलिब्रियम हमने देखा था लास्ट क्लास में, जब इक्विलिब्रियम हमें दिखता है, वी नो दैट रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, राइट। हमें पता है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, तब ही तो होता है इक्विलिब्रियम, राइट। तो ये पहला इक्वेशन और दूसरा इक्वेशन, इन दोनों इक्वेशन का यूज करके मुझे मिल जाता है ये इक्वेशन, राइट, जिसे मैं फर्दर सिंप्लीफाई करके जैसे ही केबी को यहां ले आता हूं और इन दोनों को यहां ले जाता हूं तो मेरे पास एक इक्वेशन बन के आ जाता है, दैट इज के एफ बाय के बी इज इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी, दैट इज ये क्या है, प्रोडक्ट है, डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी, ये क्या है, रिएक्टेंट। इसी को हमने इक्वेट कर दिया, मतलब के एफ बाय के बी को हमने नाम दे दिया के ई, इसी को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट, राइट। यही है इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट, जिसे हम कहते हैं के ई। इट इज नथिंग बट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। तो ये हो गया क्या, इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट के ई, ठीक है। यहां तक किसी को कोई डाउट, कोई चीज नहीं समझ में आई है तो यू में आस्क। ओके, अगर किसी को कोई डाउट नहीं है तो हम लोग पढ़ते हैं अब आगे। अब एग्जाम्पल देखते हैं, यही जो हमने अभी चीज सीखी है उसे हमें अप्लाई कैसे करना है, है ना, अप्लाई कैसे करना है। तो मैंने आपको एक बता दिया, के ई इज नथिंग बट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब यहाँ पे हमें एक बात और ध्यान रखनी है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा, अभी के लिए सिर्फ यहाँ पर के ई कितना है वो हम निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला रिएक्शन हमारे पास है N2 plus thrice H2 gives twice NH3, है ना। इसका अगर मुझे के ई निकालना है तो वी नो दैट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, यहाँ पे प्रोडक्ट क्या है, इट इज NH3 डिवाइडेड बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ
रिएक्टेंट वी हैव रिएक्टेंट एज N2N H2। अब यहाँ पर जो ऊपर इनकी टोपी पर दिख रहा है इट इज नथिंग बट द नंबर ऑफ मोल्स, है ना। अगर ट्वाइस NH3 है राइट, अगर दो मोल्स हैं, दो मोल NH3 के हैं, तो उसको मैंने क्या कर दिया, उसके ऊपर सिर पे डो लगा दी राइट, स्क्वायर कर दिया, टू कर दिया राइट। अगर H2 कितने हैं मेरे पास, तीन हैं, देखो यहाँ पर H2 तीन है, तो मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर H2 के ऊपर रेज़ टू द पावर 3 लगा दी, ठीक है, बस यही करना है। इज इट सिंपल, यस और नो? यस सर, ठीक है। अब एक और एग्जांपल देखते हैं, वी हैव द रिएक्शन ट्वाइस SO2 प्लस O2, ये देता है ट्वाइस SO3, है ना। अब यहाँ पर हमें फिर से पता है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज नथिंग बट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय द रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन, है ना। तो मैंने वही किया है, यहाँ पे प्रोडक्ट लिखा है SO3 डिवाइडेड बाय SO2, है ना, इनटू O2, और इन्हीं के ऊपर उनके कितने मोल्स हैं वो लिख दिए हैं। जैसे SO2 यहाँ पे कितने मोल्स हैं, दो मोल्स हैं, तो मैंने उसके ऊपर टोपी पे क्या लगा दिया, 2, है ना। ऑक्सीजन कितना है, एक ही मोल है, तो मैंने यहाँ पे टोपी के ऊपर 1 लिखा, ठीक है, 1 लिखो या ना लिखो इट इज 1 इन द सेम, है ना। और वही अगर मैं प्रोडक्ट साइड देखो, SO3 यहाँ पर ट्वाइस SO3 है, है ना, एक सेकेंड, यहाँ पे ट्वाइस अगर SO3 आता है तो यहाँ पे हमें 2 लिखना है, ठीक है, तो ये हो गया ट्वाइस। नेक्स्ट, अब इतनी सारी बात जो हमने सीखी उसका मोटा मोटा कंक्लूजन क्या आता है, कुछ तीन चीजें जिनकी हमें याद रखनी है। सबसे पहली वो है KE = KF/KB, मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इक्वल्स टू फॉरवर्ड रिएक्शन का के डिवाइडेड बाय बैकवर्ड का के, ठीक है। नेक्स्ट हमें बात जो याद रखनी है, इट इज रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल्स टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। ये सब जो बातें हैं वो कब होती है, जब हमारा रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या कहता है, KE = प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट्स का कॉन्सेंट्रेशन, है ना। अब और यहाँ जो स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं, दिस इज नथिंग बट द कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम। ये बात आपको याद रखनी है, कॉन्सेंट्रेशन ये कब की है, इक्विलिब्रियम की कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। रिएक्शन होने के पहले की कॉन्सेंट्रेशन की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, रिएक्शन स्टार्ट हुई राइट, प्रोडक्ट बने, उसके बाद में एक पॉइंट आया कि इक्विलिब्रियम आ गया रिएक्शन में, है ना, तब जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कॉन्सेंट्रेशन आपको बताता है ये स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि ये इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन पे के स्क्वायर ब्रैकेट है, वहां का कॉन्सेंट्रेशन क्या है वो बताता है, ठीक है। प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन क्या है इक्विलिब्रियम पे, और रिएक्टेंट्स का कॉन्सेंट्रेशन क्या है इक्विलिब्रियम पर, ये चीज वो बताता है, ठीक है। अब इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट जो है वो है कुछ दो टाइप्स, राइट। इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट जो हमने अभी पढ़ा वो है दो टाइप्स, एक है KC, दूसरा है KP। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ये याद रखना है, KC है और KP है। किसी क्या, जब हम बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, है ना, इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन अगर मैं बात करता हूं तो उससे मैं कहूंगा KC। लेकिन जब मैं इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर अगर मैं बात करूंगा तो उसे मैं कहूंगा क्या, KP, ठीक है। आपको ध्यान रखना है, यहां पर कंफ्यूज नहीं होना है, तीन टर्म्स याद रखनी है, KE = KC/KP, राइट। अब हमें पता है कि कॉन्सेंट्रेशन मतलब क्या, या फिर मोलैरिटी मतलब क्या, इट इज नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, किसी पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ वॉल्यूम में कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं, वही तो उसका कॉन्सेंट्रेशन हुआ, राइट। मतलब इसका यूनिट क्या आएगा, मोल्स पर लीटर, राइट, मोल्स पर लीटर हो गया इसका यूनिट। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको याद रखनी है वो है, इट इज ओनली फॉर लिक्विड एंड गैस। सॉलिड के लिए एक बार फिर बोल रहा हूं, सॉलिड के लिए हम इसे कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है, हम इसे कंसिडर नहीं करेंगे। सॉलिड के केस में कॉन्सेंट्रेशन उतना ही होता है, ठीक है, आगे आपको पता चल जाएगा। जब अगर मैं पार्शियल प्रेशर की बात करूं तो डेफिनेटली वहां पर सिर्फ हम गैस की बात करेंगे। अब आपको पता है गैस का इक्वेशन PV = nRT, राइट, P = अब जैसे ही मैं यहाँ पर जो V है वो इसे यहाँ ले जाता हूँ तो डिवाइड बाय V हो जाता है, राइट, N/V, ठीक है, P = nRT, मतलब क्या, दिस P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N/V, है ना। पार्शियल प्रेशर
is directly proportional to n by v. And what is n by v? It is molarity या फिर क्या concentration, है ना? मतलब concentration जो है वो भी partial pressure को कुछ ना कुछ depend करता है partial pressure के ऊपर, ठीक है? अब ये चीज जो है वो सिर्फ और सिर्फ गैस के लिए होती है ना, प्रेशर की बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली वो गैस के लिए तो होगी। आगे धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा कि कहां पे कौन सी चीजें हमें देखना है और उसे इंक्लूड करना है। अब यहां पर नोट में मैंने लिखा है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं पहले ही बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसे स्टार्ट देता हूँ, ये आपको याद रखना है, वापिस पढ़ते रहना है, कभी भूलना नहीं। अगर यहाँ पे आप गड़बड़ कर जाते हो तो फिर मतलब चाहे आपको कितना भी नॉलेज हो आप वो सॉल्व नहीं कर पाओगे। सबसे पहला केस क्या है? सबसे पहला केस है सॉलिड इज ऑलवेज टेकन एज यूनिटी। जहां भी सॉलिड दिखे, कहीं भी सॉलिड दिखे, उसे हमें यूनिटी लेना है, मतलब वन। उसे कंसिडर नहीं करोगे तो भी चलेगा, उसे कंसिडर नहीं करना, राइट? अब केस टू, ये सॉलिड लिक्विड गैस क्या बोल रहा हूं मैं, जब कोई रिएक्शन दी गई होती है, फॉर एग्जाम्पल ये रिएक्शन है, ठीक है, ऊपर आपको दिख रहा है ए प्लस बी गिव्स सी प्लस डी, ठीक है। यहां पर अगर मैंने यहाँ पे सॉलिड लिख दिया, ये सॉलिड, ये गैस है ना, ये अगर लिक्विड निकला और ये सॉलिड निकला, है ना, तो ये सॉलिड को हम लोग कंसिडर नहीं करते, यही चीज कह रही है, ठीक है। तो सॉलिड को हमें कंसिडर नहीं करना है, उसे यूनिटी लेना है वन, ठीक है। वन मतलब कुछ नहीं के बराबर हो गया, है ना, हम उसे मल्टीप्लाई कर दो तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, राइट। केस टू क्या है? केस टू है लिक्विड व्हेन टेकन विद गैस। ध्यान से सुनो, लिक्विड व्हेन टेकन विद गैस, जब कोई रिएक्शन में लिक्विड है गैस के साथ, तो हम क्या करते हैं, उसको उस लिक्विड को यूनिटी ले लेते हैं, उस लिक्विड को वन ले लेते हैं। उस कंडीशन में हम लिक्विड को कंसिडर नहीं करते हैं, वरना हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। केस थ्री, ये तीनों केसेस आपको याद रखनी है, ठीक है। केस थ्री क्या है? H2O is taken as unity. वाटर को हम लोग यूनिटी कब लेते हैं? जब जो रिएक्शन है वो एक्वियस मीडियम में हो रही है। कब? जब कोई रिएक्शन अगर एक्वियस मीडियम में हो रही है तो हम क्या करते हैं, वाटर को यूनिटी ले लेते हैं, वाटर को कंसिडर ही नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि वाटर का कंडीशन पहले बाद में कभी भी ले लो, वो उसकी जो कॉन्सेंट्रेशन होगी वो लगभग सेम ही होगी, क्योंकि एक्वियस मीडियम की बात कर रहे हैं, मतलब रिएक्शन ही उसमें वाटर में हो रही है, तो हम उसे कंसिडर नहीं करेंगे। चेंजेस जो है वो हमें वाटर की वजह से कुछ खास नजर नहीं आएंगे, इसीलिए हम उसे कंसिडर नहीं करेंगे, राइट। मैटर क्या करता है हमारी, अगर मैं लाइफ की बात करूं, हमारे लाइफ में कौन सी चीज मैटर करती है, जो हमारे लाइफ में चेंज लाती, राइट। जो हमारे लाइफ में चेंज नहीं लाती है वो चीज मैटर ही नहीं करती, है ना। वही चीज यहाँ पे अप्लाई करो, जो चीज चेंज लेके आ रही है उसी को हम लोग कंसिडर कर रहे हैं। सॉलिड वैसा का वैसा रह रहा है तो हम उसको यूनिटी ले ले रहे हैं। जब हम लोग लिक्विड दिख रहा है हमें रिएक्शन में और वो गैस के साथ है, तब हम लिक्विड को यूनिटी ले ले रहे हैं, ठीक है। क्योंकि अगर कंपेयर करें तो उसमें लिक्विड लगभग नहीं के बराबर उसका कॉन्सेंट्रेशन होगा, ठीक है, गैस के कंपेरिजन में। और H2 इज टेकन एज यूनिटी व्हेन द रिएक्शन टेक्स प्लेस अंडर एक्वियस मीडियम, राइट। नेक्स्ट, अब ये ही चीजें आपको पता चल जाएगी अभी जो हम कुछ एग्जाम्पल्स देखने वाले हैं वहां पर। कुछ एग्जाम्पल्स मैं ले रहा हूं जिसमें आप हम लोग केसी और केपी कैलकुलेट करने वाले, राइट। केपी और केसी को हम लोग कैलकुलेट करने वाले। केपी मतलब आपको पता है पार्शियल प्रेशर वाला, और केसी मतलब कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स वाला, ठीक है। अब सबसे पहला रिएक्शन है CaCO3 गिव्स CaO प्लस CO2। सबसे पहले मैं देखूंगा रिएक्शन में मेरे पास दिया क्या क्या। ये देखो सॉलिड दे रखा है, अरे बढ़िया सॉलिड आ गया हमें, मतलब कैलकुलेशन कम हो जाती है सॉलिड आगे की, है ना, तो हमें उसे कंसिडर ही नहीं करना होता, तो कैलकुलेशन काफी हद तक कम हो जाती है। एक सॉलिड, दूसरा सॉलिड, अरे वाह दोनों सॉलिड है, मतलब दोनों को भी कंसिडर नहीं करना है, वरना अगर यहाँ पे सॉलिड नहीं लिखा हुआ होता तो मैं क्या करता, मैं लेता KC = हमें पता है प्रोडक्ट, राइट, प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय क्या, रिएक्टेंट, ठीक है। मेरे पास प्रोडक्ट यहाँ पे क्या है, अभी प्रोडक्ट है मेरे पास CaO, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CaO और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2, राइट। रिएक्टेंट में मेरे साथ क्या है, रिएक्टेंट साइड में मेरे पास है CaCO3, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CaCO3,
ठीक है, लेकिन 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 यहां पर मेरे पास सॉलिड है, और अभी कुछ थोड़ी देर पहले हमने केस नंबर वन स्टडी किया था जिसमें सॉलिड को हम लोग हमेशा यूनिट करके लेते हैं, राइट। तो सॉलिड को हमें कंसिडर ही नहीं करना है, मैं सॉलिड को क्या करता हूँ, कैंसिल, ये हट गया, ये हट गया, बचा क्या, Kc is equals to CO2 का कॉन्सेंट्रेशन, वही चीज मैंने यहां लिखी, राइट। Kc is equals to CO2 का कॉन्सेंट्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, है ना। नेक्स्ट Kp, Kp में भी सेम कंडीशन, वही चीज करनी है, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, राइट, क्योंकि मैटर अगर CO2 से ही हो रहा है, कुछ चेंज जो है वो भी CO2 से ही हो रहा है, तो पार्शियल प्रेशर भी तो CO2 का ही होगा, तभी तो चेंज आ रहा है, राइट। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, the reaction given here is N2O4, ठीक है, equilibrium वाला reaction है, gives twice NO2, right? अब मैं देखता हूँ reaction में क्या क्या है, मेरे पास यहाँ पे gas है, यहाँ पे gas है, चलो दोनों चीजें हमें consider करनी है, ठीक है। तो मैंने लिख दिया Kc is equals to concentration of NO2 divided by concentration of N2O4, जो कि मेरा क्या है, reactant है, है ना, इसीलिए मैंने नीचे किया। अब मैं देखूंगा moles कितने मिले, एक N2O4 जब रिएक्ट कर रिएक्शन हो जाती है उसकी, तो वो क्या देता है, ट्वाइस NO2 दे रहा है ना, इसीलिए ट्वाइस NO2 है, करके यहाँ पे मैंने क्या ले लिया, टू। और अगर N2O4 देखो तो वो एक ही है, तो यहाँ पे वन, बात खत्म। सिमिलरली हमें लेना है पार्शियल प्रेशर के लिए, राइट, पी एन ओ टू टू द पार टू डिवाइडेड बाय पी एन टू ओ फोर टू द पार वन, राइट। अब थर्ड वाला एग्जांपल देखते हैं, थर्ड रिएक्शन में हमारे पास ये एक फिजिकल इक्विलिब्रियम वाली रिएक्शन है, राइट। फिजिकल इक्विलिब्रियम हम कब कहते हैं, जब सॉलिड टू लिक्विड ऐसे कुछ चेंजेस दिखते हैं हमें, मतलब फिजिकल इक्विलिब्रियम, कुछ खासा चेंज आपको यहाँ दिख रहा है, यहाँ भी H2O है, वहां भी H2O है, दोनों साइड H2O है, राइट। अब देखो यहाँ पर रिएक्शन में मुझे यहाँ पर एक लिक्विड दिख रहा है, एक गैस दिख रहा है, फटाफट से केस नंबर टू मुझे याद आ गया। केस नंबर टू में मैंने ये पढ़ा था कि जब लिक्विड होता है किसके साथ, गैस के साथ, तो मैं क्या करता हूँ, लिक्विड को क्या लेता हूँ, यूनिटी ले लेता हूँ। तो यहां पर मैं लिक्विड को कंसिडर नहीं करूंगा, इसीलिए सीधा सीधा Kc is equals to H2O, ठीक है, is directly proportional to H2O, जो कि गैसियस वाला मैंने यहां पर कंसिडर किया है। सिमिलरली गैस है, इसीलिए इसका पार्शियल प्रेशर भी होगा, है ना, तो Kp is equals to pH2O, राइट। अब नेक्स्ट फोर्थ वन, CH3COOH gives CH3COO minus, ठीक है, plus H3O positive, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ है रिएक्शन में, यहाँ का एक हाइड्रोजन जो था वो H2O ने ले लिया, है ना, यहाँ पे नीचे हमारे पास H2O भी दिया है, वो H2O ने ले लिया और वो बन गया जाकर H3O positive। कैसे होता है ये रिएक्शन मैं आपको बताता हूँ, देखो यहाँ पर एक ऑक्सीजन, ठीक है, ये H2O का, इधर ये CH3 डबल बॉन्ड O H, ठीक है, ये क्या करता है, ये ऑक्सीजन का जो लोन पेयर होता है वो इस हाइड्रोजन को ले लेता है, है ना। जैसे ही वो इस हाइड्रोजन को ले लेता है तो यहां पर ये बॉन्ड टूट जाता है। अब क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इलेक्ट्रॉन जो है उस बॉन्ड के वो पूरी तरीके से ऑक्सीजन खींच लेता है, इसीलिए ऑक्सीजन के ऊपर आ जाता है नेगेटिव चार्ज, वो बन जाता है CH3COO, इसको के ऊपर माइनस नेगेटिव चार्ज, प्लस क्योंकि यहां पर अब एक जबरदस्ती का बॉन्ड बन गया है ओ एच एच, ऑक्सीजन तो दो ही बॉन्ड बनाता है, लेकिन यहां पर लोन पेयर की वजह से एक और यहां पर बॉन्ड बन गया है, तो ऑक्सीजन के ऊपर आ गया है पॉजिटिव चार्ज, राइट, इसीलिए यहां पर ये बन जाता है एच थ्री ओ पॉजिटिव। क्या बात समझ में आ रही है, यस और नो? यस सर, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से ये रिएक्शन होती है ना। अब रिएक्शन तो ठीक है, हमें समझ में आनी चाहिए, नेक्स्ट जो पार्ट जो हमें पता होना चाहिए कि इसका केसी कैसे निकालना है। केसी निकालना कैसे है, हमें पता है प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। अब सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं देखना स्टार्ट कर दूंगा कि यहाँ पर मेरे पास क्या क्या कंडीशन है, ये एक्वियस है, ये लिक्विड है, अच्छा अच्छा, तो मुझे फिर से केस नंबर थ्री याद आ रहा है। केस नंबर थ्री में मैंने ये पढ़ा था कि H2O को मैं यूनिटी लेता हूं जब रिएक्शन एक्वियस मीडियम में होगी। देखो क्या रिएक्शन ये एक्वियस मीडियम में है, यस, ये देखो यहाँ पे एक्वियस लिखा हुआ है ना, ये रिएक्शन है एक्वियस मीडियम में, मतलब ये जो H2O है उसे मैं अब
कंसिडर नहीं करूंगा, इट विल बी टेकन एज यूनिटी। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर आपको इधर जो एच टू ओ होना चाहिए था रिएक्टेंट साइड वाला, वो नजर ना आते हुए कुछ इस तरीके से आपको प्रोडक्ट दिख रहा है। ठीक है, तो Kc is equals to concentration of H3O positive into concentration of CH3CO minus divided by the concentration of CH3COOH। अब Kp का क्या करेंगे? Kp जो है वो define यहाँ पर नहीं किया जा सकता क्योंकि यहाँ पर गैस मॉलिक्यूल्स है ही नहीं, तो फिर प्रेशर किसका? जब गैस ही नहीं है तो प्रेशर किसका, है ना? तो Kp यहाँ पर हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते हैं। Is that clear to everyone? क्या बात समझ में आ रही है? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. अभी कभी भी आपको कहीं पर रिएक्शन दी रही तो आप Kc का क्या इक्वेशन बनेगा, Kp का क्या इक्वेशन बनेगा, क्या ये बता सकते हो? Yes, sir. ओके, आपको सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी तीन कंडीशन याद रखनी है? वो है ये। ठीक है, ये आपको याद रखना है बहुत अच्छी तरीके से। ठीक है, ये तीनों कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे अगर आप गलती कर देते हो तो ये जो इक्वेशन हम बनाते हैं किसी रिएक्शन का, अगर वहां पे हम गलती कर देते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे अगर H2O ले लेता था तो फालतू में यहाँ पे जबरदस्ती का H2O आ गया तो उसकी भी वैल्यू एड हो जाती थी। ठीक है, जब मैं कैलकुलेशन करता था उसमें H2O का भी वैल्यू एडेड रहता था, तो जो आंसर आना चाहिए था वो नहीं आता था, राइट? गलत आंसर आता था, टाइम वेस्ट हो जाएगा, है ना? और नीट में हमारे पास काफी टाइम कम होता है, इसीलिए हमें प्रैक्टिस जितनी ज्यादा हो सके उतनी ज्यादा प्रैक्टिस करनी है ना, ताकि क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाए। सबसे ज्यादा टाइम फिजिक्स लेता है, फिर केमिस्ट्री और बायोलॉजी भी, क्योंकि हमें सबको पसंद है, तो बायोलॉजी सबसे आखिरी में ही सॉल्व करना चाहिए क्योंकि वो जल्दी हो जाता है। फिजिक्स कर लो, सबसे ज्यादा टाइम लेता है। एक डिवाइड करो धीरे धीरे करके, जैसे भी आप फुल पोर्शन टेस्ट जैसे देने लगोगे या फिर टोटल 720 मार्क्स के एग्जाम्स देने लगोगे, तब आपको समझ में आने लगेगा धीरे धीरे कि कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है टाइम को अकॉर्डिंग टू दी सब्जेक्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट है दी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज दी रिलेशन बिटवीन Kp एंड Kc। Kp और Kc के बीच में एक रिश्ता है और वो रिश्ता ये कहलाता है कि Kp इज इक्वल्स टू Kc इनटू RT डेल्टा Ng। RT डेल्टा Ng का मतलब क्या है? डेल्टा Ng इज नथिंग बट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट में कितने मोल्स हैं उस उतने मोल्स को माइनस कर दो प्रोडक्ट में जितने भी मोल्स हैं उसमें से, तो आपको पास क्या मिल जाएगा? यू गेट डेल्टा एन। ठीक है, डेल्टा एन आपको मिल जाएगा और फिर आप कोई भी पर्टिकुलर वैल्यू यहाँ कैलकुलेट कर सकते हो। आर इज नथिंग बट दी, व्हाट इज आर? क्या तुम्हें पता है? वैल्यू याद है, वैल्यू याद है, गैस कांस्टेंट। आर इज गैस कांस्टेंट। ठीक है, क्या वैल्यू है? 0.0821। आपको बताऊंगा नीचे मैंने लिखा हुआ भी है और एक क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व करेंगे, वहां पर मैंने क्या देखकर कौन सी वैल्यू वहां पे अप्लाई की है वो हमें समझ में आना चाहिए, वरना क्वेश्चन हो जाता है रॉन्ग वैल्यू पता होने के बाद भी। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? आई होप आपको ये समझ में आ गया है ये जो रिलेशन मैंने बताया है Kp और Kc का। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है कि Kp इज हाउ मेनी टाइम्स इक्वल टू Kc फॉर द गिवन रिएक्शन। एक रिएक्शन है और कहते हैं कि मुझे ये बताओ कि कितना टाइम्स है Kp Kc से, है ना? कितना टाइम है Kp Kc से। ठीक है, अब हमें रिएक्शन पता है, यहाँ पर रिएक्शन दी गई है, हमें रिलेशन पता है, राइट? तो इजी जाएगा आंसर निकालना। कैसे निकालना है देखो, सबसे पहले रिएक्शन को देखो अच्छे से। यहाँ पर दिया है N2 गैस, ओके, H2 ये भी गैस होगा, ठीक है, गिव्स ट्वाइस NH3 गैस, सभी चीजें गैस में है, बहुत बढ़िया। ठीक है, गैस में होंगी तभी मैं डेल्टा एन से मल्टीप्लाई कर पाऊंगा वही चीज है। ठीक है, देखो अब कैसे, अगर मैं डेल्टा एन यहाँ पे कैलकुलेट करूं तो यहाँ पे डेल्टा एन हमें पता है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में कितने हैं? दो, तो यहाँ पे मैं लिख दिया टू, माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट में कितने मोल्स हैं? H2 के है तीन,
और एन टू का है एक, करेक्ट, मतलब टोटल हो गए चार, तो टू माइनस फोर माइनस टू, राइट, मतलब ब्रैकेट के ऊपर आएगा माइनस टू. अब हमें रिएक्शन पर, हमें रिलेशन पता है कि के पी इज इक्वल टू के सी आर टी टू द पावर डेल्टा एन जी. डेल्टा एन की वैल्यू हमें पता है, मैंने डेल्टा एन की वैल्यू यहां पर जैसे ही सब्सटीट्यूट की तो मुझे इक्वेशन मिल गया के पी इज इक्वल टू आर टी टू द पावर माइनस टू इन टू के सी, राइट. अब हमें पता है आर टी पावर माइनस टू का मतलब ही होता है वन आर स्क्वायर, वन अपॉन आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इनटू टी स्क्वायर. यस, तो ये हमें पता है और ऐसा ही कुछ ऑप्शन सी है ना, तो हमारा आंसर आ गया है दैट इज ऑप्शन नंबर सी. इज दैट क्लियर टू एवरीवन? क्या ये क्वेश्चन समझ में आ गया है? यस सर. यस सर. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, रेट कॉन्स्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन is 7.5 into 10 to the power minus 4. एक backward reaction है जिसका rate constant क्या है? 7.5 into 10 to the power minus 4. And equilibrium constant is 1.5. So the rate constant for forward reaction is, this is very easy. अगर आपको ये वाला जो हमने आज formula याद किया है, या अगर आपको पता है K is equals to KF by KV, तो बस answer आ गया. Kf हमें फाइंड आउट करना है. जैसे ही मैं यहाँ पे Kb को इधर ले जाता हूँ तो Kf is equals to Ke into Kb, वैल्यू सब्सटीट्यूट करो और आंसर पाओ, है ना. इट वॉज वेरी इजी, बस पर आपको यहाँ पर पता होने चाहिए ये वाला इक्वेशन. नेक्स्ट, एट 700 केल्विन, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दो. एट 700 केल्विन द इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट फॉर अ गिवन रिएक्शन Kp is कितना है? Kp कितना दिया है एक given reaction के लिए? Kp दिया गया है 1.8 into 10 to the power minus 380. ठीक है? The value of Kc for the above reaction at the same temperature and pressure is in moles per liter is, ये कहता है मुझे बताओ कि Kc यही temperature और pressure पे किसके terms में? Moles per liter मतलब concentration हो गया, है ना, मोल्स पर लीटर मतलब ही तो कॉन्सेंट्रेशन होता है. इसके टर्म्स में मुझे केसी की वैल्यू बताओ. तो रिएक्शन दे रखी है ट्वाइस SO3 गिव्स 2SO2 प्लस O2, है ना. अब हमें पता है, तो हमें रिएक्शन पता है, रिएक्शन में सभी चीजें गैस है तो रास्ता हो गया है साफ, सभी चीजों को हमें करना है कंसिडर. अब जैसे ही मैं डेल्टा एन निकालता हूं तो मुझे ये क्या पता है डेल्टा एन मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट. तो नंबर ऑफ मोल्स प्रोडक्ट में कितने हैं? 2 प्लस यहां पे 1, 3 माइनस 2. ठीक है, तो 3 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 1, तो डेल्टा एन आ गया मेरा 1. ठीक है, अब इक्वेशन हमें पता है Kp इज इक्वल्स टू Kc इनटू Rt टू द पावर डेल्टा एन जी. ठीक है, क्योंकि जी क्यू है वो गैस के मॉलिक्यूल्स के लिए होता है इसीलिए. ठीक है, तो अब क्योंकि डेल्टा एन 1 है तो वो हो जाता है गायब. ठीक है, तो Kp इज इक्वल्स टू Kc इनटू Rt, राइट. तो जैसे ही मैं Rt को यहां ले जाता हूं तो ये हो जाता है Kc इज इक्वल्स टू Kp बाय Rt. अब Kp की वैल्यू मुझे पता है क्या है, इन्होंने दिए क्वेश्चन में 1.8 इनटू 10 टू द पावर माइनस 380. ठीक है, अब वैल्यू काय में दी है? ATM. ठीक है, तो R जो है वो कुछ दो वैल्यूज होती हैं R की. पहली होती है 0.0821 लीटर ATM पर मोल केल्विन, है ना. तो अब अगर वैल्यू आपको वहां पर ATM में दी है तो चुपचाप आपको कौन सी वैल्यू उठानी है? ये. अगर बाकी वैल्यूज आपको जूल्स में दी है तो आपको कौन सी वैल्यू उठानी है? ये. तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से टाइम पर R की क्या वैल्यू लेनी है, तभी आपका आंसर आएगा सही, वरना हो जाएगा वो गलत. ठीक है, तो मैंने यहां पर देखा कि मुझे ATM में अगर यहां पर वैल्यू दी है एटमॉस्फेयर, ठीक है, इतनी वैल्यू दी है Kp की, तो मैंने यहां पर R ले लिया है 0.082. ठीक है, 0.082. जैसे ही मैं इसे सॉल्व करता हूं तो मेरा आंसर आ गया 3.13 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5. Kc का आंसर ये है. इज इट क्लियर टू एवरीवन? नोट समझ में आ गई है कि R की वैल्यू कब कहां कैसे लेनी है और कौन सी लेनी है?
यस सर यस सर यस सर ओके एक और क्वेश्चन देख लेते हैं बेसिक सा क्वेश्चन है लेकिन आपको आना चाहिए क्वेश्चन है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बताना है केसी फॉर द गिवन रिएक्शन ये एक रिएक्शन है इसका केसी हमें बताना है रिएक्शन ये है K2CO3 एक्वियस ओके BaCO3 दिया है ये दोनों मिलकर बनाते हैं BaCO3 सॉलिड प्लस K2SO4 एक्वियस ठीक है तो जैसे ही मुझे सॉलिड नजर आया मैंने पहली फुर्सत में इसको कर दिया कैंसिल है ना BaSO4 को कर दिया कैंसिल BaCO3 को कर दिया कैंसिल क्योंकि सॉलिड को तो हमें कंसीडर करना ही नहीं है उसे क्या लेना है यूनिटी वन लेना है तो किसी हमें पता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट द टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम ठीक है तो प्रोडक्ट यहाँ पे हमें कौन सा कंसिडर करना है K2SO4 तो मैंने वो कर दिया ठीक है उसके बाद में K2CO3 तो वो मैंने वो कर दिया रिएक्टेंट साइड में ठीक है तो KC की वैल्यू हमारे पास आ गई है K2SO4 का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय K2CO3 का कॉन्सेंट्रेशन लेकिन ये जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स है इसीलिए ये इस तरीके से रह ही नहीं पाते तुरंत K2SO4 जो है वो दो के पॉजिटिव और SO4 टू माइनस ये बन जाता है और K2CO3 सिमिलरली दो के पॉजिटिव प्लस CO3 टू माइनस बन जाता है ठीक है दे आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स खुद ब खुद डिसोसिएट हो जाते हैं ये बात आपको याद रखनी है किसकी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की आगे जाके काफी आप पढ़ने वाले हो है ना स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस काफी सारा है इसमें किस्सा तो वो हम लोग पढ़ने वाले हैं आज के लिए इतना ही अगर यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो यू मे आस्क सर सो वो अपने फॉर्मूला दिया ना KC = KpRT^n तो अगर किसी एग्जांपल में डेल्टा एन की वैल्यू जीरो आती है तो वो पूरी टर्म वन वन कंसीडर करेंगे ना टू द पावर जीरो क्या होता है एनीथिंग टू द पावर जीरो इज व्हाट फिर KP इक्वल टू KC हो जाएगा ना डायरेक्टली हाँ वो तो जीरो हो गया वो वन हो गया ना RT टू द पावर जीरो वो वन हो गया तो फिर KP इज इक्वल टू KC ठीक है ओ यस सर और सर आपने भी जो लास्ट एग्जांपल लिया वो डिसोसिएशन एंड ऑल वो कैसे समझ में आएगा कि अभी वो धीरे अभी क्योंकि मुझे ये पता है ना तो मुझे क्योंकि मुझे पता है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स है ना धीरे धीरे करके आपको ये टिल द एंड आपको ये बातें समझ में आ जाएगी कौन सा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है कौन सा अपने आप डिसोसिएट हो जाता है ना कौन सा नहीं तो अभी तो बस शुरुआत है अभी हम लोग सीख रहे हैं ना तो अभी आज आपको पता चल गया है कि K2SO4 और K2CO3 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स है यस और नो यस सर इसीलिए मैं कहता हूँ कि जितने ज्यादा क्वेश्चन हो सके उतने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करो कि कई बार ऐसा होता है जो थ्योरी में हम नहीं सीख पाते हैं वो क्वेश्चन में सीख जाते हैं ठीक है आज के लिए इतना ही अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हो और कोई भी डाउट नहीं है तो दैट्स इट फॉर टुडे